है गाइस, वेलकम बैक टू इसके लाइव एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड, मैं आपका दोस्त करूँ, आज हम फिर से एक ज़बरदस्त वीडियो लेकर जो कि आप सबके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। गाइस, आज का वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कि यूट्यूब का एडवांस फीचर को हम लोग कैसे इनेबल कर सकते हैं और ये एडवांस फीचर होता क्या है, एडवांस फीचर इनेबल होने से हमको मतलब हमारे चैनल के लिए क्या फ़ायदा है। सो गाइस, जैसा कि मैंने लास्ट टाइम में यूट्यूब पर वीडियो वेरीफिकेशन का बताया था, वही एडवांस फीचर का ही था कि यूट्यूब पर एडवांस फीचर को हम लोग इनेबल कैसे करेंगे। तो सेम गाइस, आपको आज एडवांस फीचर की पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि इस एडवांस फीचर में आखिर क्या क्या मिलता है और इनेबल करने से हमारे चैनल के लिए क्या फ़ायदेमंद होगा। सो गाइस, बिना लेट किए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ और लेकर चलता हूँ आपके लैपटॉप के स्क्रीन पर। मैं आ गया हूँ अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर और अभी मैं ओपन कर लिया हूँ गूगल क्रोम, यूट्यूब। ओके, सो गाइस, मैंने यूट्यूब को सर्च कर लिया है, यूट्यूब होम पेज पे चला चैनल के चैनल हिस्ट्री पे, और इसके लिए मैं अपने वीडियोस पे क्लिक करता हूँ और अब मेरा यूट्यूब क्रिएटर स्टूडियो ओपन हो चुका है। सो गाइस, जैसा कि आपको ये पता है, ये डेमो चैनल है। डेमो चैनल कहने का मतलब है कि इस पर बस डेमो वीडियोस बनाकर आप सबको दिखाने के लिए मैं इस चैनल को क्रिएट किया हूँ। सो गाइस, अभी मैं इसमें बताने वाला हूँ कि इस एडवांस फीचर को ऑन करने से क्या क्या फ़ायदा होंगे और नहीं ऑन करने से क्या क्या लॉसेस हैं हमारे। सो गाइस, एडवांस फीचर के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हमको आना है यूट्यूब के सेटिंग्स पे। गाइस, एक प्रोसेस आप कर मोबाइल में भी कर सकते हैं। मोबाइल में ये चीज़ को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपना मोबाइल को ऑन कर लेना है। तो मैं पहले मोबाइल को अभी ये चीज़ दिखा देता हूँ आपको। मोबाइल को ऑन कर लेना है। मोबाइल को ऑन करने के बाद आपका क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद आप जैसे ही क्रोम ब्राउज़र में आएंगे, यहाँ पे लॉगिन यूट्यूब सर्च कर लेना है, लॉगिन यूट्यूब। और इसके बाद यहाँ पे आप डेस्कटॉप साइट पे, जैसे यहाँ पे है ना, इस डेस्कटॉप साइट को क्लिक कर देंगे और यहाँ पे इसको YT स्टूडियो को क्लिक कर देंगे। जैसे ही YT स्टूडियो क्लिक करेंगे तो आप अपने चैनल पे आ जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे योर वीडियोस करके जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट अपने चैनल पे आ जाएंगे। ओके, तो आपको यहाँ पर सेटिंग कहाँ पे मिलेगा, तो सेटिंग के लिए आपको नीचे जाना होगा सेटिंग वाला ऑप्शन पे, और सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो आप आ जाएंगे चैनल की सेटिंग पर। और बाकी प्रोसेस मैं सिस्टम से बताता हूँ ताकि वहाँ पर बिग स्क्रीन से ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। सो गाइस, ये रहा अपना चैनल सेटिंग। सेटिंग को क्लिक करेंगे, सेटिंग को क्लिक करके आ जाना है आपके चैनल पे। जैसे सेकंड नंबर पे चैनल पे क्लिक करेंगे, आपका सेकंड नंबर चैनल पे आपका ओपन हो जाएगा और यहाँ पर मिलेगा यूट्यूब एडवांस फीचर एंड एलिजिबिलिटी। तो एलिजिबिलिटी पे जैसे हम यूट्यूब एडवांस फीचर एलिजिबिलिटी, जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा एडवांस फीचर के सारे फ़ायदे और लॉसेस। एडवांस फीचर को ऑन करने से आपको क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे, एडवांस फीचर को आप ऑन नहीं करते हैं तो आपके क्या क्या लॉसेस होंगे, ये सारे चीज़ मैं यहाँ पे आपको समझाने वाला हूँ। एडवांस फीचर में आपको करना क्या पड़ेगा, जैसे ही पहला देख रहे होंगे कि नंबर वन, जैसे ही हम अपना फीचर एलिजिबिलिटी को ऑन करते हैं तो अपना तीन तरह का ऑप्शन मिलता है एडवांस फीचर को ऑन करने के लिए। तो तीन ऑप्शंस हैं हमारे पास और तीनों को आपको करना पड़ेगा इनेबल, तब आपको पता चलेगा कि आपको क्या क्या चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। जो चीज़ में जैसे मैं अभी मेरा फर्स्ट स्टैंडर्ड्स, जैसे स्टैंडर्ड्स फीचर्स जो हैं ये मेरा ऑन है, इनेबल्ड है, तो मैं इसमें क्या क्या चीज़ क्या क्या फ़ायदा उठा सकता हूँ यूट्यूब से। जैसे मैं अपलोड कर सकता हूँ, प्लेलिस्ट क्रिएट कर सकता हूँ, मतलब मैक्सिमम प्लेलिस्ट आप बना सकते हैं, ऐड कोलैबोरेट टू प्लेलिस्ट, ऐड न्यू वीडियोज़ टू एग्जिस्टिंग प्लेलिस्ट, मतलब न्यू वीडियो जैसे ही आप मतलब बनाएंगे तो आपके जो पहले से प्लेलिस्ट होंगे उसमें आप इसमें उस प्लेलिस्ट में आप अपने वीडियो को ऐड कर सकते हैं, मतलब उसमें डाल सकते हैं। ओके, सेकेंड जो फीचर है इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट फीचर्स, और इंटरमीडिएट फीचर्स में क्या फ़ायदे होने वाले हैं तो इसको भी ओपन करके देख लेते हैं। और इसको इनेबल करने का क्या तरीका है, इसमें आप जैसे ही इस फीचर को जब आप ऑन कर लेंगे, इनेबल कर लेंगे, तो आप 15 मिनट से ज़्यादा का वीडियो बना सकते हैं, मतलब आप 15 मिनट से ज़्यादा का वीडियो अपने YouTube चैनल पे अपलोड कर सकते हैं। दूसरा होता है कि कस्टम थंबनेल्स, मतलब आप अपने थंबनेल को कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं इसमें। उसके बाद लाइव स्ट्रीमिंग का भी ऑप्शन आपका खुल जाता है, लेकिन गाइस लाइव स्ट्रीमिंग के लिए सबसे पहले आप 1000 का
सब्सक्राइबर्स को मतलब गेन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जब तक आप 1000 सब्सक्राइबर्स गेन नहीं करेंगे तो लाइव स्ट्रीमिंग का ऑप्शन आपका ओपन नहीं होता है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर फिलहाल जैसे इसको आप वेरीफाई कर लेते हैं, इनेबल्ड कर लेते हैं, तो आपका लाइव स्ट्रीमिंग का ऑप्शन खुल जाता है। तो मैं चलते हैं जल्दी से फटाफट से इसको वेरीफाई कर लेता हूँ। इसको वेरीफाई करने के लिए आपको चाहिए अपना फ़ोन नंबर, मतलब आप अपने ईमेल आईडी में जो फ़ोन नंबर यूज़ कर रहे हैं उस फ़ोन नंबर से आप इसको कर सकते हैं वेरीफाई। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे फ़ोन नंबर पर, तो मेरा जो भी नंबर है, जैसे कि मैं इंडिया से हूँ तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है इंडिया, और टेक्स्ट में चाहते हैं या फिर चाहते हैं कि उस पर कॉल है, तो मैं फ़िलहाल अपना नंबर को अपडेट कर लेता हूँ। नंबर को अपडेट करने के लिए मैं अपना नंबर क्लिक कर लेता हूँ, जैसे मेरा नंबर है दिस दैट, और थोड़ा सा वीडियो को कट करना पड़ेगा। और उसके बाद सो गाइस देख सकते हैं कि अभी मेरा फ़ोन नंबर वेरीफाई हो चुका है। तो मैं वापस से अपने चैनल स्टूडियो पे चला जाता हूँ और एडवांस फीचर में जाता हूँ और इस पेज को थोड़ा पहले रिफ्रेश कर लेता हूँ। रिफ्रेश कर लेने से क्या फ़ायदा, मतलब ये होगा कि अपना जो मैंने इनेबल्ड हुआ मेरा कि नहीं, तो उस चीज़ को मैं पता लगा लूँगा। फिर से आपको जाना है अपने चैनल सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आप चले जाएंगे चैनल पे। चैनल पे क्लिक करने के बाद आपको फीचर एंड एलिजिबिलिटी पे जाना है। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि मेरा सेकेंड जो ऑप्शन है, सेकेंड इंटरमीडिएट फीचर, ये भी हो चुका है ऑन। और अभी इसमें मुझे मिलेगा, मैं वीडियो 15 मिनट से ज़्यादा बना सकता हूँ, कस्टमाइज अपने थंबनेल को कस्टमाइज कर सकता हूँ, और उसके बाद लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरा फ़ोन नंबर वेरीफाई हो चुका है और स्टैंडर्ड फीचर भी इनेबल हो चुका है। थर्ड नंबर ऑप्शन में क्या होता है? थर्ड नंबर ऑप्शन में सर गाइस तीन चीज़ आपको क्रिएट करने पड़ेंगे। जैसे आपका इंटरमीडिएट फीचर जैसे ही आप ऑन होता है, तो आप थर्ड स्टेप पे एडवांस फीचर में चले जाते हैं। इस पे आपको जो ऑप्शन मिलता है, जैसे अपील कंटेंट आईडी क्लेम, मतलब कोई आपके चैनल पे क्लेम करते हैं किसी भी तरह का, है ना, तो आप उसके लिए अपील कर सकते हैं यूट्यूब पर। मतलब कोई वीडियो ऐसा अपलोड किए हैं और जिसकी वजह से कोई क्लेम आप पर बना है, तो आप उसके लिए अपील कर सकते हैं यूट्यूब से। ये आपको फीचर इजीली यहाँ से आपका फीचर ये इनेबल हो जाता है। क्रिएट मोर लाइव स्ट्रीम्स डेली, मतलब आप डेली बेसिस पे लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। अपलोड मोर वीडियोज़ डेली, मतलब जैसे ही आप इसको ऑन कर लेंगे, एडवांस फीचर को ऑन कर लेते हैं, तो आप डेली मैक्सिमम वीडियोज़ एक साथ आप यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हैं। क्रिएट मोर शॉर्ट्स डेली, अब वैसे ही आपको शॉर्ट्स डेली शॉर्ट्स अपलोड करने का ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर। फिर जैसे ही इस फीचर को जब आप ऑन कर लेंगे, तो एक्सटर्नल जो भी लिंक है, जैसे सोशल मीडिया का लिंक है, अनदर चैनल का लिंक है, तो वो चीज़ आप अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर सकते हैं और आपका जो है वो लिंक बैक लिंक के तौर पर आपका काम करेगा। ये फ़ायदा होता है एडवांस फीचर का। और क्या बोलते हैं, एलिजिबल टू अप्लाई फॉर मोनेटाइजेशन, सबसे बड़ी बात यही है और यही मैं बताना चाह रहा था कि जब तक आप एडवांस फीचर को ऑन नहीं करते हैं, तब तक आप यूट्यूब मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। कहीं सारे क्वेश्चंस पे आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल सही है, लेकिन जब आप इस अप्लाई टू एलिजिबल टू अप्लाई फॉर यूट्यूब मोनेटाइजेशन यहाँ पर जब आप जाएंगे, तो देख रहे होंगे कि स्टार लगा हुआ है। मतलब गाइस ये चीज़ मैंडेटरी है कि आपको एडवांस फीचर को ऑन करना ही पड़ेगा, इनेबल करना ही पड़ेगा। अगर इनेबल नहीं करते हैं तो आप अपने मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल नहीं पाए जाएंगे, रिजेक्ट कर दिए जाओगे। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। अभी आपको इसको ऑन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दो चीज़ मैं जैसे वैलिड आईडी वेरीफिकेशन वीडियो वेरीफिकेशन और वैलिड आईडी वेरीफिकेशन, ये दो चीज़ का वीडियो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें मैंने इजी वे में इसको वेरीफिकेशन करने का बहुत ही शॉर्ट और सिंपल तरीका बताया हूँ, जहाँ से आप इजीली अपने चैनल का वीडियो वेरीफिकेशन कर सकते हैं, वैलिड आईडी वेरीफिकेशन कर सकते हैं और चुटकी में हो जाएगा। और इसके लिए परेशान होने की कोई ज़रूरी नहीं है। एक्सेस फीचर्स को जैसे आप ऑन करेंगे, तो आप यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा यूज़ वीडियो वेरीफिकेशन, यूज़ योर आईडी वेरीफिकेशन और बिल्ड चैनल हिस्ट्री, और बिल्ड चैनल हिस्ट्री पे क्लिक करके आपको डन कर देना है। और चैनल हिस्ट्री आपका ऐसे करके आप सारे चीज़ आईडी वेरीफिकेशन, वीडियो वेरीफिकेशन सबको जाके वेरीफाई कर लो। वहाँ से आ रही है, आप मेरे आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को सेलेक्ट कर लो।
या फिर मैंने मेरे चैनल पे जाकर सर्च करो, वह वीडियो वेरिफिकेशन अप्रोक्स 1.5 लाख का व्यूज़ है उस वीडियो पर, और उसमें बहुत ही ईजी स्टेप में मैंने वीडियो वेरिफिकेशन करना सिखाया है। उसके बाद वैलिड आईडी वेरिफिकेशन का भी वीडियो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, और मैक्सिमम वीडियो जब अपलोड करोगे आप तो आपका चैनल हिस्ट्री भी ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो आप आईडी वेरिफिकेशन और वीडियो वेरिफिकेशन कर लो, इजीली आपका चैनल हिस्ट्री बन जाएगा। जब आप वीडियो अपलोड करेंगे मैक्सिमम तो आपका चैनल हिस्ट्री भी बिल्ड हो जाएगा। सो गाइस, ये रहा आज का इन्फॉर्मेटिव वीडियो, जो कि मुझे लगता है आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हुआ होगा। और गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अगर मैं इसको सही से समझा पाया हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। और यूट्यूब के टिप्स में बहुत ही बेहतर बेहतर और भी टॉपिक्स को मैं कवर करने वाला हूँ, जो कि जैसा कि गाइस आप सबको पता है, मैं उसी टॉपिक को कवर करता हूँ जो मुझे पर्सनली उससे फ़ायदा होता है, या फिर उसके बारे में मुझे जानकारी होता है। ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी वीडियो बना के आप सबके बीच में नहीं लेकर आता हूँ, ये मेरी अलग ही मेरा अलग ही सोच है कि मुझे जिससे फ़ायदा होता है या फिर वो चीज़ रियली में आप लोगों के लिए यूज़फुल है तो ही मैं लेकर आता हूँ, नहीं तो नहीं लेकर आता हूँ। सो गाइस, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले लीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।